आखिरकार वीकेंड खत्म हुआ, मैंने कॉलेज को मिस किया और मैं यहाँ समय पर आ गया हूँ। माइक, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, अब तुम अकेले पढ़ाई नहीं करोगे। नए स्टूडेंट को हेलो बोलो। अंदर आओ रॉबर्ट। रॉबर्ट, माइक से मिलो, तुम अब एक साथ पढ़ाई करोगे। हेलो, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। शुक्रिया, मैं यहाँ से संभाल लूंगा। मैंने असल जिंदगी में पहली बार इतना अमीर आदमी देखा है। हाँ, इंटीरियर और ज्यादा बेहतर हो सकता है। नौकर, और इस चेयर पर बैठना नामुमकिन है, और मुझे इस डेस्क की जरूरत नहीं है। इसे ठीक करो जैसा आप चाहो। इतने अमीर आदमी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओह, ये पहले से काफी बेहतर लग रहा है। ओह, मुझे भी ये चाहिए। जेन, तुम एक जरूरी डिटेल भूल गई हो। ये लो। शुक्रिया, अब मैं क्लास के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग लकी होते हैं कि वो पैदा ही अमीर होते हैं। बच्चों। हाँ मिस्टर वॉकर, तुम्हारे साथ एक और स्टूडेंट पढ़ाई करेगा, उसे हेलो बोलो। और तुम कौन हो? उसकी असिस्टेंट हूँ। ये सब क्या है? सर जेट इतने बुरे रैक के पास जाएंगे भी नहीं, और मैं सोचना भी नहीं चाहती यहाँ कितने गरीब लोग चलते होंगे। वो क्या था? मुझे भी नहीं पता। क्या सच में लड़कों की क्लास में एक और अमीर लड़का आएगा? पर वो इतना सिंपल नहीं है, वो बहुत ज्यादा अमीर लड़का है। ये लड़का थोड़ा थोड़ा रॉबर्ट जैसा लग रहा है, पर और ज्यादा कूल। वो कौन है? तुम किसी भी खाली सीट पर बैठ सकते हो। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? मैं उन पर नहीं बैठूंगा, ये मेरा लेवल है। वाओ, ये तो असली थ्रोन है। ये मेरी सीट है। उम्मीद है मेरे क्लासमेट्स मुझे अपनी गरीबी से इन्फेक्ट नहीं करेंगे। इस लड़के को क्या गलत फहमी है, जरा बताना। नौकर, मैं जानना चाहता हूँ ये कौन है। मैंने उसे फोर्ब्स में नहीं देखा है। क्या ये इसके कवर पर है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है? ये कैसे हो सकता है? फिर भी इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। हे, खराब चश्मे वाले लड़के, तुम्हारे बेकार कपड़े मेरी आंखों में चुभ रहे हैं। वाओ, अब मैं सच में अमीर लड़के की तरह लग रहा हूँ। अब मैं जेट और उसके दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता हूँ। तो इसने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा? मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, लगता है उसे आखिरकार गरीब ही दिखना चाहिए। हे, मुझे महंगे लुक की आदत हो गई थी। तो जान पहचान होने के बाद अब हम आखिरकार अपने लेसन के टॉपिक पर चलते हैं, पर हम ये अगली बार करेंगे। जब तक आप जा सकते हो। ठीक है, मुझे इन लूजर्स के साथ बैठने का कोई शौक भी नहीं है। क्या उसने मुझे चैलेंज किया है? और अपना बदसूरत रैग ले जाना मत भूलना। ऐसा लग रहा है मैं किसी नाटक में हूँ। हे जेट, तुम अपना रग साथ लेकर नहीं जा रहे हो? मुझे हंसाओ मत, मैं जमीन से कुछ नहीं उठाता क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। गुड बाय। बाय। अच्छी बात है, मैं नखरे नहीं करता। तुम इतनी अच्छी चीज कैसे फेंक सकते हो, पागल लोग। ठीक है, रफ्तार बनाए रखो, और तुम अच्छा कर रहे हो। शुक्रिया, मैं सच में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। खैर, आराम मत करो। हाँ, ये बिल्कुल मेरे महंगे जिम की तरह नहीं है, पर काम चला लूंगा। ओह, मैं बहुत लकी हूँ। मिस्टर वॉकर, मुझे बस कुछ कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, तो मैं ये एक्सरसाइकिल चलाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये मौका दे सकते हो? हाँ रॉबर्ट, बिल्कुल, कार्डियो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो माइक स्किपिंग कर लेगा। हे माइक, उसे बैठने दो, अभी जाकर साइड लाइंस की एक्सरसाइज करो। रॉबर्ट प्लीज, अब मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे भी उसको एक्सरसाइकिल की ज्यादा जरूरत नहीं है। खैर, स्किपिंग करना भी बुरा ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मुझे बताना, मैं ले आऊंगा। मुझे एक्सरसाइकिल पर वर्कआउट करना है, पर उसने ले ली है, ये तो दिक्कत है। माइक, मुझे जंप रोप दो। रॉबर्ट, अब तुम्हारी कूदने की बारी है। ठीक है, अब तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इस चीज को बदलना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। एक अमीर आदमी सस्ते सैडल पर नहीं बैठ सकता, पर डायमंड वाले गोल्डन सैडल की बात ही कुछ और है।
सच में तुमने एक्सरसाइकिल चलाने के लिए पैसे दिए? शर्मानी चाहिए। अफसोस, मेरे पास अब एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं है, मुझे ऐसे ही करना होगा। तुम ऐसे डंबल नहीं उठा सकते हो। मुझे उसे छूने की जरूरत नहीं है, और मैं उसे हाथ क्यों लगाऊं जब मेरे पास अपने गोल्ड वाले हैं। क्या? मुझे भी ये चाहिए, पर मैं गोल्ड वेट उठा सकता हूँ, तुम्हें जलन होगी। किस चीज से? तुम्हारे पास बस 750 का गोल्ड सैंपल है, मेरे पास 990 का है। ओह अच्छा, तुम्हारे पास गोल्ड बारबेल नहीं है, वो दोनों अजीब हैं। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये भारी है। ओह ओह वाह, यहाँ पर काफी महंगी स्पोर्ट्स की चीजें हैं। काश मुझे कोई देख ना ले। 100, 200, 300, शायद किसी ने नहीं देखा। मिस्टर, तुम्हें क्या चाहिए? मैं ये लेकर आया हूँ। वाह, मुझे पास से देखने दो, ये असली गोल्ड है। इतना काफी है, ये लो। ये? ओह, मिस्टर वॉकर, तुमने मुझे यहाँ नहीं देखा, तुम्हें समझ आया? बिल्कुल। आमतौर पर गेम में हमारे करेक्टर दिखाते हैं कि हम असल में कैसे दिखते हैं। गरीब लोगों के पास डोनेट करने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनके करेक्टर्स का लुक सस्ता सा होता है, और अमीर लोगों का लुक उनके पैसों के हिसाब से होता है। मुझे जानना है कि जेट के पास क्या है। वाओ, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? मुझे भी बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे और ज्यादा डोनेट करना होगा। सब ध्यान दो प्लीज। क्या? तुम्हारा फोटो शूट होने वाला है। नहीं, अभी खड़े हो और अपनी फोटो खिंचवाओ, नहीं तो तुम्हें एफ मिलेगा। ठीक है, परेशान मत हो। ओह वो आ गए। बच्चों याद रखना, ये फोटो अखबार में छपने वाली है। हाँ, मेरी फोटो हमेशा छपती रहती है, मुझे इसकी आदत है। किस लिए? क्योंकि तुम सबसे दिखावटी इंसान हो। जलो मत, जलते तुम हो। माफ करो, मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। अपनी जगह बदल लो प्लीज। अब ये ठीक है सुंदर लड़की? क्या आप थोड़ा पास खड़े हो सकते हो, मतलब एक दूसरे को हग करके? क्या सच में? और मुझे लगता है मुझे अपनी नाराजगी दूसरे चश्मे से छुपा लेनी चाहिए। ऑयस्टर्स ज्यादा टेस्टी होते हैं, लॉबस्टर का स्वाद बेहतर है, और वो ज्यादा महंगे भी होते हैं। ये लो, इन पैसों से अपने लिए कुछ ऑयस्टर्स खरीद लेना, और रो मत, असलियत में फ्राइज से ज्यादा कुछ भी टेस्टी नहीं होता। किसी को भी तुम जैसे गरीब की सलाह नहीं चाहिए। पहली बार मैं रॉबर्ट से सहमत हूँ। गरीब आदमी को कुछ पैसे दे दो प्लीज। शुक्रिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सर, इतने भी पत्थर दिल मत बनो, ऐसे मत जाओ। ठीक है, ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया दयालु आदमी। मुझे बहुत सारे पैसों की खुशबू आ रही है, तो ये तुम हो। तुमने इसे ज्यादा पैसे नहीं दिए, कोई दिक्कत चल रही है? मैंने अपना मन बदल लिया है, इस चश्मे वाले मिस्टर को मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या? मैं बहुत अमीर हूँ, मैं इसे बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। ओह लड़को, करते रहो, मैं तुम्हें पैसों की गड्डी देने के लिए तैयार हूँ। सच में ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। दो अमीर आदमियों का झगड़ा बड़ा और बहुत महंगा हो सकता है, पर क्या ये कुछ भी करेंगे ये दिखाने के लिए कि कौन ज्यादा दयालु और अमीर है? मेरे पास कुछ हीरे भी हैं, मैं इन्हें भी दे देता हूँ, मैं ऐसे और हजारों खरीद सकता हूँ। हाँ कैरल, मुझे अपना नेकलेस दो। पर क्यों सर? नहीं ये नहीं, ये बहुत ज्यादा महंगा है। मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे ये पैसों और ज्वेलरी देने का कोई अफसोस नहीं है। ये देखकर ही मुझे बुरा लग रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। जेन, अब तुम देखना मैं तुमसे ज्यादा कूल हूँ। मैं इस बेघर आदमी को अपनी कंपनी के शेयर दे रहा हूँ। मैं इससे नहीं हार सकता सर। और अब मैं अपनी सारी कंपनीज इस आदमी के नाम कर रहा हूँ, अब तुम क्या कहोगे? मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। आपके पैसे खत्म हो गए, और अब से मैं इस जेंटलमैन के लिए काम करूँगी। इसका क्या मतलब है?
आपके पास भी पैसे नहीं बचे हैं, तो बाय। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। लड़को, मदद के लिए शुक्रिया। लेडीज, चलो चले। अब हम क्या करें? ये तुम्हारे लिए है, हमेशा मेरी मदद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे खुशी हुई। अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए होगी तो मुझे बताना, ठीक है? हे, ये मेरी जगह है, दूर हो जाओ। बिल्कुल नहीं, कम से कम मेरे पास अच्छी पिक्चर तो है। नहीं, मेरी ज्यादा अच्छी है। आप किस लड़के के साथ सेम क्लास में पढ़ना चाहोगे? गरीब माइक, अमीर रॉबर्ट या सबसे अमीर जेट? वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने जवाब बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे।